वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं चेन्नई से आ गई हूँ महाबलीपुरम और मैंने ऑटो कर लिया। आई हैड लगेज ऑल्सो विथ मी क्योंकि आगे मैं पांडिचेरी जाने वाली हूँ। तो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है द फाइव रत्न। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है फाइव रत्न। टिकट है इसकी 40 रुपीज। सो लेट्स गो। अभी हम सेकंड लोकेशन पे आए हैं। यहाँ का भी आके दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दो चीज़ है, एक लाइट हाउस है और एक ना मुझे प्रेजेंस करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन एंड विल गो एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटी। स्टैंडिंग नियर द टेम्पल और उसके ऑपोजिट है लाइट हाउस और नीचे इतने अलग अलग, अब बिलीव नहीं करोगे, रॉक से बड़े बड़े, ऐसे मैंने कभी ऐसे, यू नो इट्स वेरी रेयर। दिस इज नेचुरली ये सारी चीज़ें हैं, यू डोंट हैव टू क्रिएट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर। दैट्स आई लव एक्सप्लोरिंग इंडिया। अलग अलग जगह पे जाते हो, उसकी हिस्ट्री तुम पढ़ते हो। मैं नीचे कुछ कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता थी ऑनेस्टली, तो आई गो रीड एवरीवेयर और उसके बारे में समझती हूँ एंड सी दिस व्यू और ये सब एक्सप्लोर करती हूँ। तो अब यहाँ से देखोगे तो 360 डिग्री व्यू दिख रहा है और वहाँ पे लाइट हाउस में तो और भी अच्छा व्यू दिखेगा। तो विल गो देयर ऑल्सो। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। Chasing stars and holding you. This light out of my chair. Yeah, but they rook you. Then I will go upstairs. For this 10 rupees ticket on the light house mountain. Kelly and वही टेम्पल है जो हम जाके आए अभी। तो यहाँ से वो भी दिख रहा है, वहाँ पे गई थी तो लाइट हाउस मुझे दिख रहा था। यहाँ पे पूरा लाइट हाउस को 360 डिग्री वो देख रहा है। मेरे पास 360 नहीं है कैप्चर करने के लिए, बट दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल यार। जो कार्विंग स्ट्रक्चर्स मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, द व्यू ऑफ नेचर, बीच है वो साइड पे एंड ये साइड पे ग्रेट लेक है, ग्रेट सॉल्ट लेक एंड पूरा ग्रीनरी हर जगह, जस्ट कृष्णा मंडपा एंड नाउ यू गोइंग आगे। सो एवरीथिंग एज अ स्टोरी, लाइक आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट देयर एंड एक्सप्लोरिंग। दिस इज अबाउट द कृष्णा, हाउ ही लिफ्टेड गोवर्धन पर्वत एंड दैट वॉज द स्ट्रक्चर अबाउट। नाउ ही have come to the other location. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. यहाँ पे आप आओगे ना after the lighthouse, यहाँ पे सारे monuments बने हुए हैं, the story is written also, so you can read and explore and if you want तो और अच्छे से आपको डिटेल में स्टोरी जाने तो यू कैन बुक अ गाइड ऑल्सो। मैं तो जस्ट रीड कर रही हूँ एंड एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटिफुल प्लेस हियर। तो मैं रीड करते हुए एक्सप्लोर करते जा रही हूँ। आपको अगर गाइड चाहिए तो आप गाइड भी ले सकते हो, बहुत ही सुंदर जगह है। जस्ट तो हम एक्सप्लोर करते करते आ गए बटर रॉक की तरफ। इस रॉक को इट्स बेसिकली, ये तो बहुत हर जगह पर इसका मुझे बताया गया था, ये रॉक कभी भी हिलता नहीं है। इट्स जस्ट अ वेरी बिग रॉक जो वहाँ पे ऐसे रखा गया है। तो हम लास्ट डेस्टिनेशन पे आए हैं शोर टेंपल की तरफ। बहुत यूनिक स्टोरी है इस टेंपल की कि इट वाज सबमर्ज्ड इनटू वाटर। तो ये नीचे था, सडनली एक दिन ना ऊपर आ गया, इट वाज सबमर्ज्ड एंड बन गया, टेंपल बन गया। तो इसका नाम शोर टेंपल रखा है
एंड दिस इज वेरी यूनिक कि नेचर कैन डू एनीथिंग एट टाइम्स. सी के नीचे जो टेंपल था वो ऊपर आ गया सडनली एक दिन. दिस वाज दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस एंड दिस इज बिकम यूनेस्को वर्ल्ड रिकॉर्ड. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे तीन टेम्पल्स है, तो एक है शिव जी का वो जहाँ पे पार्वती माँ दिख रही है, शिव जी है और कार्तिक आपको दिखेगी मेन सबसे पहले जैसे आप एंटर होते हैं. एक लॉर्ड विष्णु का भी टेम्पल है यहाँ पे जो इतना विजिबल नहीं है बट बोल रहे कि यहाँ पे है टेम्पल. और एक है शिवलिंग बना हुआ है शिव जी का, तो वो भी अभी मैंने देखा तो शिव जी का शिवलिंग दिख रहा था. जैसे तीन टेम्पल्स है यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा है. और यहाँ पे नंदीस का पूरा ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है. पहले यहाँ पे पूजा भी होती थी, मैंने गाइड का सुना कि ये मिट्टी लेते थे जो ये नीचे है तो उससे पूजा करते थे, और अभी सब बंद कर दिया और अब ये मॉन्यूमेंट बन गया है और यहाँ के लोग विजिट करते हैं इस टेम्पल. पूजा कैसे को लॉर्ड विष्णु का टेम्पल क्यों नहीं देख रहा? लॉर्ड विष्णु का टेम्पल अंदर साइड है जो बंद करके रखा वो एंट्री गेट, इसलिए लॉर्ड विष्णु का टेम्पल ही नहीं दिख रहा है. बीच जाना है ना तो शोर टेम्पल से आपको गेट से बाहर आके उसके ऑपोजिट लेन से अंदर जाने का रास्ता है, तो मैं बीच जा रही हूँ देख के आते बीच एंड देन वी गो. गाइस यहाँ पे एक शेड लगा हुआ था, वहाँ पे आ गए और बैठ गए, थोड़ी देर बैठे गए बीच, अभी वो एंजॉय करते रिलैक्स करते एंड देन वो बट बीच को थोड़ा क्लीन रखा करो गाइस. आते हो तो थोड़ा कचरा पड़ा यहाँ पे फिलहाल तो हर जगह पानी का बॉटल से लेके हम ही करते हैं, डोंट लिटर गाइस. पानी का बॉटल पड़े मतलब गाइस. महाबलीपुरम से पांडिचेरी आ गए, बहुत ही सुंदर सी जर्नी थी. मैं जैसे महाबलीपुरम बस स्टॉप पे आई ना, मैं ऐसे जो बस है मैं चढ़ गई, वहाँ पे तो जगह ही नहीं था. मैं बोला शिट क्या होगा, आई वाज हैविंग माय लगेज विथ मी एंड आई वाज लाइक क्या, बट मतलब ड्राइवर वाज रियली नाइस. वो कंडक्टर जो ड्राइवर नहीं कंडक्टर तो वाज रियली नाइस. उन्होंने बैग को थोड़ा साइड में लिया, बोला आप यहाँ बैठो, बट थोड़ी देर के बाद मेरे को सीट मिल गई एंड इट वॉज अ गुड जर्नी. मैं पांडिचेरी आ गई हूँ. सो इसके बाद चेरी के डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. और एक चीज मुझे बतानी थी कि अभी मैं हॉस्टल में आया ना, तो देयर आर फ्यू पीपल हु महाबलीपुरम गए थे, तो ऑटो वाले ने 300 रुपीज में उनका करके दे दिया, तो बार्गेन रियली वेल. एट टाइम्स कैसे होता है ना, आई एम ट्रैवलिंग सोलो ना, तो मैं कितना भी बार्गेन करूँ ना सामने वाला मानता ही नहीं है, तो बहुत इश्यूज हो जाते हैं. तो ग्रुप्स में थोड़ा बेनिफिट होता है, सोलो रहते तो फिर वो ऐसे ही कर लेते हैं. बट हाँ, 300 रुपए वाले तो मतलब यही है कि बार्गेनिंग इज अ की. आप बार्गेन अच्छा करोगे तो आपको और अच्छी डील मिलेगी, वही है. मेरी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है बार्गेनिंग स्किल्स, इसके लिए मैं कई बार ऐसे हो जाती हूँ. तो इसलिए मैं ज्यादा करके बस में ही ट्रैवल करती हूँ, जो मेरे हिसाब से कैसा होता है, जो पैसा होता है उतना ही रहता है, ऊपर नीचे नहीं होता. इसलिए 90% आई ट्रैवल इन बस, 10% ऑप्शन नहीं रहता तो मेरे को ऑटो में ट्रैवल करना पड़ता है. और यहाँ पे कैसा ये मीटर नहीं है तो थोड़ा मेरे को इश्यू हो जाता है. तो यार मैंने 600 दे दिए, कोई बात नहीं. बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस महाबलीपुरम में, बहुत अच्छा लगा. मॉन्यूमेंट्स, उसकी स्टोरीज, सब कुछ मैं देख के आई. बीच था, सब कुछ बहुत प्यारा था, मजा आया. एंड प्लीज डोंट लिटर, वहाँ पे बहुत कचरा था बीच के वहाँ पे, तो मतलब मत करो बाय बॉटल्स वगैरह दे, ट्राई टू अवॉइड दैट. एंड जाओ घूमो फिरो एंजॉय करो. एंड इफ यू लाइक दिस व्लॉग डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. लव यू ऑल.